नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि संसार का पहला मानव कौन था। संसार में अनेक धर्म हैं जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म मुख्य हैं। सभी धर्मों में हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम वैदिक धर्म अथवा सनातन धर्म है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर मानसरोवर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। प्राचीन काल में ऋषियों ने भारतवर्ष को हिंदुस्तान नाम दिया, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान हो गया। हिंदू एक धर्म नहीं अपितु जीवन पद्धति है, जिसे अलग अलग स्थान से भारत में आए लोगों ने धर्म का नाम दे दिया। प्राचीन काल में भारतवर्ष में सभी लोग इसी जीवन पद्धति का अनुसरण करते थे। उस समय कोई और धर्म नहीं था। यदि इस विषय पर चर्चा करें कि सनातन जीवन पद्धति की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी, तो प्रश्न यह उठता है कि पृथ्वी पर प्रथम मानव कौन उत्पन्न हुआ जिसने इस जीवन पद्धति का अनुसरण किया और संसार को आगे बढ़ाया। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए तो वो किमकर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों उत्पन्न किया गया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। इस आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयंभुव मनु को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे। मनु के साथ ही ब्रह्मा जी ने शतरूपा नामक स्त्री को उत्पन्न किया। इनके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से योगदान दिया। मनु से ही मानव शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृत भाषा के मनुष्य शब्द की उत्पत्ति भी मनु के नाम से ही हुई। कहा जाता है कि अंग्रेजी का मैन शब्द भी मनु से ही निकला है। संसार के सभी मनुष्य मनु की ही संतानें हैं। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है, जबकि श्वेत वराह कल्प में 14 मनुओं के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान के मनु का नाम वैवस्वत है, जो 7वें मनु हैं। स्वयंभुव मनु के अतिरिक्त अन्य 13 मनु स्वयंभुव मनु के कुल के ही थे। स्वयंभुव मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुईं, जिनमें उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं थीं। उत्तानपाद की सुनीति व सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। उत्तानपाद और सुनीति पुत्र ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे और बाद में ध्रुव एक तारा बन गए थे। मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का विवाह बर्हिष्मती के साथ हुआ, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। स्वयंभुव मनु की पुत्रियों में आकुति का विवाह प्रजापति रुचि, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष और देवहूति का विवाह प्रजापति करदम के साथ हुआ और इस प्रकार स्वयंभुव मनु से सृष्टि का प्रसार हुआ। परंतु वहीं यदि ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल की बात करें तो इसमें उल्लेखनीय है कि प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर की छाया से हुई। इस मनुष्य का नाम एडम था। यदि वैदिक धर्म ग्रंथों की माने तो वास्तव में सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म के प्रथम व्यक्ति मनु ही दुनिया के पहले मानव थे। तो मित्रों, आपके अध्ययन और जानकारी के अनुसार क्या सत्य है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और द डिवाइन टेल्स आप सभी मेंबर्स के लिए धार्मिक वस्तुओं का एक बहुत ही अच्छा संग्रह लेकर आया है। इसके लिए आप अमेज़ॉन स्टोर पर हमारे पेज को विजिट कर अपनी पसंदीदा वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।